नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। पिछले 24 घंटे में हुए घटनाक्रम पर आधारित समाचार के पहले मुख्य अंश, पहले प्रदेश के मुख्य समाचार। कोरोना कहर के बाद ब्लैक फंगस का तांडव शुरू। पटना IGIMS अस्पताल में 65 ब्लैक फंगस के मरीज भर्ती, दो की हुई है मौत। बिहार सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी किया है घोषित। CBSE के 12वीं की परीक्षा को लेकर अभी असमंजस बरकरार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा जल्द लेंगे निर्णय, राज्य सरकारों से मांगा गया है सुझाव। बिहार सरकार का आया बड़ा निर्णय, अब सभी सरकारी अस्पतालों में निर्बाध बिजली की होगी व्यवस्था, स्पेशल फीडर लगाएगी सरकार। बच्चों के लगातार हो रहे बंद पठन पाठन को लेकर सरकार करने जा रही है बड़ी घोषणा। दिए जा सकते हैं सरकारी विद्यालय के छात्रों को टैब या स्मार्टफोन। केंद्र की मंजूरी का है इंतजार, 9वीं से 12वीं के छात्रों से हो सकती है शुरुआत। आइए एक नजर डालते हैं बेगूसराय के घटना पर आधारित समाचारों पर। पिछले 24 घंटे में जिले में नए संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 162 हुई, 6 की हो गई है मौत। वर्तमान में जिले में लगभग 1725 एक्टिव केस। ब्लैक फंगस को लेकर बेगूसराय के सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार झा पूरी तरह से तैयार। जिले में मिले हैं 2 ब्लैक फंगस के मरीज, एक सूजा गांव की तो दूसरा फर्दी पिपरा की। बाढ़ की पूर्व तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी ने रविवार को मटिहानी बलिया साहेबपुर कमाल प्रखंड अंतर्गत बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लिया जायजा। तटबंधों की सुरक्षा को लेकर दिए हैं आवश्यक निर्देश। बखरी नगर परिषद के दुकानदारों से नगर परिषद कर्मी वसूली कर रहे हैं नजराना। दुकानदारों की हैसियत के हिसाब से तय की जाती है राशि, स्थानीय पार्षदों ने की है शिकायत। पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह एवं पूर्व विधायक सह CPI के जिला मंत्री अवधेश राय ने मुंगेरीगंज अवस्थित स्वर्ण व्यवसायी से 20 लाख रुपए लूटने पर पुलिस के कार्यशैली पर खड़े किए हैं सवाल। कहा लुटेरे अगर पकड़े नहीं गए तो लॉकडाउन के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी करेगी आंदोलन। लॉकडाउन में चोरों का आतंक बढ़ा, जिले के गढ़पुरा और नावकोठी में हुई है चोरी की घटना। बेगूसराय के चिल्हाई पुल पर दुर्घटनाग्रस्त लोगों पर चौकीदार ने किया हमला, कई महिलाओं के सर फूटे। सुरजकला रामजी फाउंडेशन का कोरोना भगाओ अभियान के तहत युद्ध स्तर पर गांवों को किया जा रहा है सैनिटाइज। अब तक कई प्रखंडों के दर्जनों गांवों को किया जा चुका है सैनिटाइज। बेगूसराय 0 माइल में सड़क हादसे में हुई है एक युवक की मौत। घटना को देखकर चाय दुकानदार को आया हार्ट अटैक, हो गई है मौत। युवक केसावे गांव निवासी अरविंद सिंह का पुत्र कृष्ण कुमार। जिले में टीकाकरण अभियान ने फिर से पकड़ी रफ्तार। रविवार को 5,405 लोगों को लगाया गया टीका। बछवाड़ा में 260, बकरी में 240, बलिया में 250, बरौनी में 568 तो भगवानपुर में 240, इसी तरह तेघड़ा में 330 तो डंडारी में 140, चेरिया बरियारपुर में 326 तो बीरपुर में 244, सामहो में 71 लोगों को दिया गया है टीका। तो ये थे पिछले 24 घंटों में घटनाक्रम पर आधारित समाचार। आप बने रहिएगा बीटी न्यूज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।